हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं भिंडी। भिंडी बनाते टाइम ऐसा कई बार होता है कि भिंडी की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, तो आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जिससे भिंडी की क्वांटिटी ज़्यादा कम नहीं होगी। ये सब्जी बनाने के लिए मैंने भिंडी को 1.5 इंच के आसपास कट किया है। हमें इस भिंडी को फ्राई करना है। फ्राई हमें सिर्फ इतना ही करना है कि भिंडी कुक हो जाए, ना इसे क्रिस्पी करना है और ना इसे पार्शली कुक रखना है, जस्ट सफिशेंटली कुक। हमें इतना ही साइज रखना पड़ेगा क्योंकि अगर ज़्यादा छोटा कट किया तो भिंडी डिसॉल्व हो जाएगी और ज़्यादा बड़ा किया तो क्रिस्पी हो जाएगी। सो आफ्टर मे बी 5 or 10 minutes भिंडी कुक हो गई है हमारी। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमें भिंडी से एक्सेस ऑयल अच्छे से निकालना है। अगर भिंडी ऑयली रह गई तो सब्जी भी एक्सेस ऑयली बनेगी। भिंडी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, सब्जी के लिए रेडी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्चियाँ ली है, थोड़ी सी हरी धनिया, थोड़ी सी करी पत्ता और 1 इंच के आसपास अदरक। हमें इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बनाना है। इसका बहुत ज़्यादा प्यूरी जैसा पेस्ट नहीं बनाना है, जैसा हम ठेचा बनाते हैं ठेचा की कंसिस्टेंसी का बनाना है। अब हम एक लेंगे कुकिंग वेसल, उसमें डालेंगे 2-3 टीस्पून ऑयल। ज़्यादा ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमें डालना है ये पेस्ट और इसका रॉ फ्रेगनेंस निकलने तक हमें इसे कुक करना है। अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर पसंद है तो आप इस पेस्ट में गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। जब रॉ फ्रेगनेंस निकल जाए ये पेस्ट का, तब हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर। एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर मैं ऐड करूँगी इसमें हमारा फ्राई किया हुआ भिंडी। भिंडी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इस मसाले में थोड़ा सा डालेंगे नमक। यहाँ मैंने नमक सेंधा नमक यूज़ किया है। आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। अब ये पेस्ट को भिंडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होने के लिए मैं इसमें लगाऊंगी लेड। भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई है, इसका एक्सेस मॉइस्चर निकल गया है, इसलिए अब अगर हम इसमें लेड लगाते हैं तो भिंडी गीली नहीं बनने वाली। 1 मिनट or so आप देखेंगे कि भिंडी से थोड़ा सा ऑयल रिलीज हो रहा है, मीन्स जो पेस्ट हमने डाला है वो अब कम्प्लीटली कुक हो गया है। नाउ द भिंडी इज़ रेडी टू बी सर्व। आप इस भिंडी को रोटी, भाकरी या पराठे के साथ में खा सकते हैं, इसे टिफ़िन में लेके जा सकते हैं। एक्सेस ऑयल टिफ़िन से नहीं रिलीज़ होगा, ना ही सब्जी की क्वांटिटी कम होने वाली है। इसे कुक होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जिस ऑयल में हमने भिंडी फ्राई करके निकाला है उस ऑयल को आप कोई और चीज़ फ्राई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया है, उसमें भिंडी का फ्लेवर नहीं आ रहा था। डू ट्राई दिस एट होम गाइज, एंड इफ़ यू लव द वीडियो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। आई यूजली ट्राई टू क्रिएट दोज वीडियोज़ जिससे हम हमारी बेसिक रेसिपी को एक सिंपल ट्विस्ट के साथ में ईजिली बना सकें। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर टाइप्स ऑफ वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल कैच यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप कुकिंग।